हेलो साथी, आप सभी का अभिनंदन है। आपके अपने परिवार के अंदर फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों। आज हम राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर दोस्तों, सारा का सारा करंट अफेयर हम रिविजन करने वाले हैं, जो आपकी पीटीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी दोस्तों। इस क्लास के अंदर टॉप 120 क्वेश्चन के आसपास इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन है दोस्तों, वो सारे के सारे करेंगे, जिनमें से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट छपने की संभावना है दोस्तों। हो इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे दोस्तों, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। एक नंबर के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादातर राजस्थान करंट अफेयर की आज की क्लास के अंदर ज्यादा है दोस्तों, इंडिया करंट अफेयर के थोड़े कम है। इसलिए आप नेक्स्ट दो इसके पे तीन से दो या तीन क्लास लूंगा करंट अफेयर की दोस्तों, इसमें से आपसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आप सपोर्ट कर देना दोस्तों, खूब मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ दोस्तों, ठीक है? तो बिना टाइम खराब किए दोस्तों क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलिए। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? जो खेलो इंडिया सेंटर है वो कितने जिलों के अंदर, 19, 33, 22 या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? जो खेलो इंडिया सेंटर दोस्तों राजस्थान के 33 जिलों के अंदर खुले जाएंगे दोस्तों। कितने जिलों के अंदर? 33 जिले के अंदर दोस्तों, जिलों के अंदर ये अपने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलिए। हाल ही में वर्ष 2022-23 में मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मदन गोपाल लड्ढा या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? जो मुरलीधर व्यास पुरस्कार है दोस्तों, व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दोस्तों यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। हाल ही में उदयपुर में G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई दोस्तों? कौन सी दोस्तों? G20 के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक दोस्तों, सेकेंड बैठक है दोस्तों ये। 20 से 22 मार्च, 27 से 29 मार्च, 21 से 23 मार्च या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? कब आयोजित की गई थी हाल ही में दोस्तों G20 की सस्टेनेबल दोस्तों फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक, वो की गई थी आपकी 21 से 23 मार्च दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एशिया के पहले ऐसे इंजीनियर कौन है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण एक साथ 5 रिकॉर्ड बनाए दोस्तों? अनिल कुमार चौधरी, देवेंद्र कुमार आर्य, महेश कुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं? यानी एशिया की सबसे पहले इंजीनियर जिन्होंने दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण में एक साथ 5 रिकॉर्ड दोस्तों अपने नाम हासिल किए हैं दोस्तों, वो कौन है? वो आपके हैं देवेंद्र कुमार आर्य, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। इन्होंने दोस्तों 5 बड़ी जो घंटी है उसका निर्माण किया गया है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन से अधिक नए भंडार मिले हैं? जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? कहाँ पर राजस्थान में लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन दोस्तों भंडार है, इसके कहाँ पर 335 मिलियन के आसपास टन के भंडार है दोस्तों, ये मिले हैं कहाँ पर? आपके नागौर के अंदर, नागौर के अंदर। अक्कलहुड फॉसिल पार्क दोस्तों कहां पर है? जल्दी से कमेंट कर दो, अक्कलहुड फॉसिल पार्क जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। अक्कलहुड फॉसिल पार्क, सोनारगढ़ किला दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा सुलभ कराने हेतु महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी राजस्थान में कहाँ स्थापित होगी? सीकर, जयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? जो सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दोस्तों आवासीय सुविधा सुलभ करने हेतु
सॉरी कराने हेतु महाराव सेकाजी सशस्त्र बल अकादमी ये कहाँ पर दोस्तों स्थापित की जाएगी उसके बारे में जल्दी से बताओ। ये आपकी सीकर के अंदर दोस्तों स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में बजट वर्ष 2023-24 में किस जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों? अलवर, चूरू, कोटा या इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2023 और 24 के अंदर दोस्तों कौन से कृषि महाविद्यालय, कृषि जो महाविद्यालय है दोस्तों वहां पर दोस्तों खोलने के लिए मंजूरी दी गई है 2023-24 के अंदर, वो दी गई है चूरू के अंदर। हाल ही में राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 3 अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2023, 5 अप्रैल 2023 या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यानी हाल ही में राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से दोस्तों जो 29वां राजस्थान गौरव दोस्तों अवार्ड है समारोह है इसका आयोजन वह 3 अप्रैल 2023 को दोस्तों अभी हाल ही में किया गया है। हाल ही में राजस्थान में भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि किसे प्रदान की गई है? कुलदीप रंका, सुदेश धनखड़, लक्ष्मण शर्मा या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राजस्थान के अंदर जो भू जल संरक्षण है तो दोस्तों उल्लेखनीय कार्य के लिए अर्थशास्त्र के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि दोस्तों किसे सुदेश धनखड़ को दी गई है? ऑप्शन बी। हाल ही में उड़ीसा के कटक में आयोजित 36वीं सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की बेटी काजल शेखावत ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा के अंदर हुई थी कटक के अंदर आयोजित 236वीं। अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो उड़ीसा के कटक के अंदर किया गया दोस्तों। कौन सी थी? तो 36वीं थी दोस्तों। अब आंसर क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो दोस्तों आपकी जिम्मेवारी के प्रश्न उत्तर को दोनों में ध्यान में रखना लैंग्वेज को, ठीक है? कौन सा पदक जीता है दोस्तों? काजल शेखावत ने, अपने जयपुर के निवासी है दोस्तों, ये स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल दोस्तों इन्होंने जीता है, ठीक है। हाल ही में 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में माइस विभाग द्वारा कितना रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया दोस्तों बताओ? 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में माइंस विभाग द्वारा कितना रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया दोस्तों? लगभग 72,11 करोड़ 69 लाख दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में दोस्तों बीजेपी ने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दोस्तों किसे बनाया गया है हाल ही में, वो बताना है। वो बनाया गया दोस्तों राजेंद्र सिंह राठौड़ को, ऑप्शन बी। राजस्थान में महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया है? 5%, सॉरी 10%, 5%, 8% या इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान के अंदर जो महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दोस्तों उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? वो किया गया 8% दोस्तों। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 10 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध दोस्तों इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल था, इसका आयोजन
इसका आयोजन दोस्तों कब किया गया? 5 अप्रैल को किया गया दोस्तों, 5 अप्रैल, ऑप्शन सी। हाल ही में राजस्थान का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? झालावाड़, उदयपुर, कोटा या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान का फर्स्ट दोस्तों तैरता हुआ सोलर पार्क दोस्तों प्लांट। सोलर प्लांट ये आपके उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी। खेलो इंडिया सब जूनियर नेशनल हुमन वुशु लीग में राजस्थान टीम में सुनसो स्पर्धा में राजस्थान टीम कौन सा स्थान रही दोस्तों? दूसरा, तीसरा या पहला या इनमें से कोई नहीं। जो खेलो इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमन वुशु लीग में राजस्थान टीम जो सुसो स्पर्धा में राजस्थान में कौन सा स्थान दोस्तों रहा, जल्दी से बताओ। वह रहा था आपका तीसरा स्थान, ऑप्शन थर्ड, डी ऑप्शन। हाल ही में राजस्थान में मांड गायकी के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान गौरव सम्मान किसे नवाजा गया गौरव सम्मान से? अनवर खान, बुतुल बेगम, मामे खान या इनमें से कोई नहीं। मांड गायकी के लिए दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में गौरव सम्मान से? वो है बतलू बेगम को दोस्तों, बतलू बेगम है, इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को 500 रुपये गैस सिलेंडर देने हेतु तो राजस्थान में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना कब से प्रारंभ की गई है दोस्तों? 1 अप्रैल 2023, 5 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2023 या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बीपीएल परिवार और उज्ज्वला योजना के द्वारा कनेक्शन मिले गए हैं दोस्तों महिलाओं को, तो उन्हें परिवारों को दोस्तों 500 रुपये के अंदर राजस्थान सरकार है वो गैस सिलेंडर अवेलेबल करवाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना शुरू की गई है 1 अप्रैल 2023 से। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है? बजरंग सिंह, श्याम सुंदर स्वामी, मुकेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी के अंदर हुआ है दोस्तों? वह श्याम सुंदर स्वामी का दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान के किस जिले में वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। जो अपने राजस्थान में वंचित बालिकाओं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए दोस्तों एक नया अभियान जिसका नाम है अभिलाषा कार्यक्रम, ये उदयपुर से शुरू किया गया है उदयपुर के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को 2 नगर वन बनाए बनने जा रहे हैं दोस्तों? सीकर, उदयपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार की एक योजना है दोस्तों नगर वन योजना, उसके तहत 2 जिले बनाए जा रहे हैं, उनमें से कहां पर दोस्तों 2 नगर वन बनाए जा रहे हैं? वो जयपुर जिले के अंदर। अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान की कितने जिलों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे दोस्तों? 17, 9, 33 या इनमें से कोई नहीं। वह 17 दोस्तों। हाल ही में रेरा में कितने प्रोजेक्ट पंजीकृत होने पर राजस्थान आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी रेस रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? 100, 50, 200 या इनमें से कोई नहीं।
हाल ही में रेरा में कितने प्रोजेक्ट पंजीकृत होने पर दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी रेस रजिस्टर्ड संस्था बन चुकी है दोस्तों, वह आपकी सोवी। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन करते हुए राजस्थान में कितनी नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा? 1,000, 500, 300 या इनमें से कोई नहीं। हाल ही के अंदर दोस्तों राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन करते हुए राजस्थान के अंदर नई बसों का संचालन लगभग 500 बसों का दोस्तों, राजस्थान में एनजीओ ट्रस्ट फाउंडेशन स्वैच्छिक क्षेत्र के संस्थाएं आदि पंजीकरण व प्रमाणीकरण हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? VSDC पोर्टल, एनजीओ पोर्टल, RJVS पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान के अंदर एनजीओ ट्रस्ट फाउंडेशन स्वैच्छिक दोस्तों, इसके लिए दोस्तों कौन सी दोस्तों पोर्टल शुरू किया गया है, उसके लिए दोस्तों VSDC पोर्टल है दोस्तों, VSDC पोर्टल इसको शुरू किया गया है। हाल ही में राजस्थान के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के मकसद से राजस्थान सरकार को किस एजेंसी के साथ मध्य एक समझौता हुआ है? संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण संस्थान, फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से दोस्तों, काम पर जल्दी से। फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य दोस्तों एक समझौता किया गया है। हाल ही में सुपर फूड कहलाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? पहला, तीसरा, दूसरा या इनमें से कोई नहीं। यानी सुपर फूड कहलाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर दोस्तों रहा है? जल्दी से, पहले स्थान पर दोस्तों। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेल कूद प्रतियोगिता में राजस्थान की डॉक्टर सारिका यादव ने लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जो अखिल भारतीय सिविल संघ एथलेटिक्स खेल कूद के प्रतियोगिता के अंदर दोस्तों राजस्थान की डॉक्टर सरिका यादव ने लॉन्ग जंप के अंदर दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। हाल ही में प्रतिदिन जल कनेक्शन के हिसाब से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा दोस्तों? चलो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, कौन से पर? थर्ड स्थान पर दोस्तों। केंद्र सरकार ने दोस्तों ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें राजस्थान की कितने परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे दोस्तों? 1, 4, 3। केंद्र सरकार 10 नए अपने परमाणु रिएक्टर बनाएगी, उनमें से राजस्थान के अंदर दोस्तों 4 प्रोजेक्ट है जो परमाणु रिएक्टर दोस्तों की दोस्तों स्थापना की जाएगी। हाल ही में हरियाणा में आयोजित की गई 19वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग मनीषा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। कांस्य पदक जीता है दोस्तों। हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम ने बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो टीम की ट्रॉफी जीती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा जीत सकता है? अपना राजस्थान, हमारो राजस्थान जी तो जीत सकता है दोस्तों। राजस्थान में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार RT के तहत निजी विद्यालयों में कौन सी कक्षा तक छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी? 11वीं, 12वीं, 10वीं या इनमें से कोई नहीं। पहले 10वीं थी दोस्तों, अब 12वीं कर दी गई है। RTE इसके तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ्री एडमिशन दोस्तों।
राजस्थान में पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा सहायकों को कितने रुपए प्रति माह हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलेगा दोस्तों? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ये इनमें से कोई नहीं। प्रतिमा हार्ड ड्यूटी दोस्तों बता। ₹200 प्रति माह दोस्तों इन्हें हार्ड भत्ता प्रत्येक माह दिया जाएगा। हाल ही में शुरू हुए राजस्थान में बांसवाड़ा शहर से सटे ठिकरिया में क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, नानक जी भील, या इनमें से कोई नहीं। इसका नाम हरिदेव जोशी के ऊपर रखा जाएगा दोस्तों। हाल ही में राजस्थान में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोत पर निगरानी के लिए राजस्थान राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन की मंजूरी किसे प्रदान की गई है दोस्तों? अशोक गहलोत, सीपी जोशी, कलराज मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी गई है दोस्तों, अशोक जी गहलोत को। हाल ही में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कब रवाना की दोस्तों? 21 अप्रैल, 12 अप्रैल, 30 अप्रैल, यानी में से कोई नहीं। जयपुर से दोस्तों, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था 12 अप्रैल को दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के नए पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? बीडी कल्ला, अशोक गहलोत, टीकाराम जुल्ली, या इनमें से कोई नहीं। जो टीकाराम जुल्ली है इनके द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था अनुप्रति कोचिंग योजना दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा के लिए। हाल ही में सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव रोकथाम उपचार के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल ऐप कवच तैयार किया गया दोस्तों? जयपुर, दौसा, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। वह है अपना दोसा। हाल ही में ई धरती भू नक्शा एवं अपना खाता पोर्टल में स्थानांतरित किया गया दोस्तों? राज डाटा सेंटर, स्टेट भामाशाह डाटा सेंटर, ई स्वराज, या इनमें से कोई नहीं। स्टेट भामाशाह डाटा सेंटर दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्थान में पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलेंटियर्स लगाए जाने की स्वीकृति किसे प्रदान की गई है? अशोक गहलोत, सीपी जोशी, कलराज मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। किसे प्रदान की गई दोस्तों? अशोक जी गहलोत को प्रदान की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में वन वन विद्यालय का नामकरण राजस्थान के सेनानी के नाम पर रख करने के संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया? राजसमंद, चोरू, या प्रो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एक राजसमंद दोस्तों और एक चोरू, दोनों के अंदर दोस्तों किया गया है एक एक विद्यालय का नाम परिवर्तन दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। राजस्थान के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एंटी कैंसर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन V2S2 दोस्तों के विकास के लिए MOU किया गया दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, कोटा, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका महारो जयपुर राजधानी राइट हो जाएगा दोस्तों। V2S2 के विकास के लिए MOU किया गया है। हाल ही में राज्य में कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने का प्रस्ताव किया गया है? 12, 9, 7, या इनमें से कोई नहीं। कितने को दोस्तों? 7। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 34वीं नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अमित जहांगीर कौन से स्थान पर रहा? तीसरा, दूसरा, पहला, या इनमें से कोई नहीं। यानी गुवाहाटी में आयोजित 34वीं दोस्तों नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अमित जहांगीर कौन से स्थान पर रहे? वो रहे आपके तीसरे।
सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में देश का दूसरा टॉप राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में देश का दूसरा टॉप राज्य दोस्तों कौन सा था? वो था राजस्थान। राजस्थान सरकारी व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटी वेट लेन देन के आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत के लिए कितने टैक्स मीटर नियुक्त करेगी दोस्तों? 5,000, 1,500, 2,000 या इनमें से कोई नहीं? नोट कर लो बस, 2,000। हाल ही में 31 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? कोटा, बांसवाड़ा, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? 31 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों, और कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों, ऑप्शन बी। राजस्थान के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं, किस कैटेगरी में रहा दोस्तों? फेयर कैटेगरी, गुड कैटेगरी, वेरी गुड कैटेगरी या इनमें से कोई नहीं? मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व को ऑप्शन बी, गुड कैटेगरी के अंदर रहा दोस्तों। हाल ही में राजस्थान में गोल्फ टूरिज्म हब बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कितने गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे? 10, 5, 3 या इनमें से कोई नहीं? जो गोल्फ टूरिज्म हब बनाने के लिए दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा कितने गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे दोस्तों, उसके रिलेटेड आप आंसर दीजिए जल्दी से। 5, ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कब रवाना किया गया दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 12 अप्रैल 2023। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? राजसमंद, बांसवाड़ा, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या होने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के मामले में दोस्तों पहला स्थान राजसमंद का। हाल ही में राजस्थान के किस जिले की पुलिस द्वारा नवाचार के रूप में एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की गई है? अजमेर कैटेगरी, कोटा पुलिस, जयपुर पुलिस या इनमें से कोई नहीं? अजमेर कैटेगरी नहीं दोस्तों, अजमेर पुलिस। कोटा पुलिस के द्वारा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 13 और 14 अप्रैल को G20 और WT20 समूह की अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया? उदयपुर, जयपुर दोस्तों, उल्टे ऑप्शन पड़ गए क्या? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर इनमें से कोई नहीं? कहां पर हो सकता है? राजधानी के अंदर ही हुआ दोस्तों आपका, जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है? अंकित चौधरी, हर्ष चौधरी, देवेंद्र बिश्नोई या इनमें से कोई नहीं? यानी दोस्तों किस खिलाड़ी का चयन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के अंदर हुआ दोस्तों? हर्ष चौधरी, ऑप्शन बी। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में MICE सेंटर्स की स्थापना घोषणा की गई है? 4, 9, 2 या इनमें से कोई नहीं? कितने जिलों के अंदर माइक सेंटर की दोस्तों स्थापना घोषणा की गई है जल्दी से बताओ? 4 जिलों के अंदर दोस्तों। हाल ही में देश में सबसे अधिक किस राज्य के 402 सरकारी महाविद्यालय में PM श्री योजना में चयन हुआ दोस्तों?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी में से कोई नहीं। फिफ्टी सेवन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण सब श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर रखने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया दोस्तों? जयपुर, सीकर, झुंझुनू। दोस्तों आगे पीछे पढ़ दिए कोई नहीं दोस्तों, आप बताओ बस। वह है झुंझुनू का विश्वविद्यालय, सॉरी अपना महाविद्यालय, इसका नामकरण दोस्तों सब श्री रामनारायण चौधरी के ऊपर रखा जाएगा। हाल ही में अजमेर में घुघरा स्थित राज्य उच्च सुरक्षा जेल के किस अधीक्षक को नई दिल्ली स्थित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे? महेंद्र सिंह राजपुरोहित, विकास कुमार चौधरी, पारसमल जांगीड़, इनमें से कोई नहीं। आपके इनमें से हो जाएंगे दोस्तों कौन थे आपके? पारसमल जांगीड़ भी थे आप, ठीक है। जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है? 312 करोड़ रुपए, 421 करोड़ रुपए, 221 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए दोस्तों 421 करोड़ रुपए प्रभावित किया गया दोस्तों। यह अब आपका पार्ट वन कंप्लीट दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों पार्ट टू जल्दी आएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।